गुड मॉर्निंग दोस्तों, पोखरा से आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है वो मेरा हॉस्टल था। अब मैं जाऊंगा आपको कुछ दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा पहले से बता देता हूँ क्या दिखाने वाला हूँ। वो सामने एक लेक है और उस तरफ एक पहाड़ है जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। बहुत खूबसूरत जगह है, उस तरफ हम जाने वाले। तो क्या क्या पहना है वो भी आपको साथ में बता देता हूँ। दो जैकेट, एक इनर, एक अंदर बंडी, एक शर्ट, ये चीज़ें तो मैंने ऊपर पहन रखी है और बाकी पैंट ही है सिर्फ। यहाँ पे काफ़ी ठंडी है। टोपी मैंने एक्स्ट्रा वाली, वो वाली पूरी साथ में ले रखी है, तो कोई चिंता नहीं है। और थोड़ा सा पानी ले लिया, खाना मैंने खा लिया। अब मैं आपको पोखरा में डे 1 आपको कुछ दिखाने के लिए ले जाता हूँ। क्या दिखा पाता हूँ वो अभी वीडियो आगे देखते जाइए, पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम हॉस्टल से एक शॉर्टकट रास्ते से इधर से होकर के इस तरफ आए और सामने ही लेक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ लेक। तो हम पहुँच गए हैं लेक पे, और लेक के पास में एक चलने के लिए रास्ता बना हुआ है। और ये है लेक का खूबसूरत नज़ारा। ये सामने है ये बोट, और ये देखिए सामने पहाड़ इस तरह। दादाजी वो है पहाड़, उसके ऊपर हम जाने वाले हैं। और ये देखिए सब पैराग्लाइडर उस पहाड़ से उड़ते हैं और वहाँ पे लैंड करते हैं उस जगह पे। तो अभी मैं आपको चल करके दिखाऊंगा, और आज हमारा प्रयास होगा कि इसके ऊपर जाएं सबसे टॉप पे। तो नज़ारा देखते देखते आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ थोड़ी देर बैठ के देख लेते हैं। देखो भाई कितना खूबसूरत नज़ारा, दो पैराग्लाइडर एक साथ में जा रहे हैं। एक में दो आदमी है, एक ड्राइवर है और एक बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और ये यहाँ पे लेक के उस कॉर्नर पे लैंडिंग करेंगे। और ये सब यहाँ से उड़ान भरते देखिए कितने सारे भाई साहब। क्या भाई, और इस पहाड़ के पीछे की तरफ देखिए, ये वाला पहाड़ है, एक यहाँ पे पहाड़ है, तो पूरा एकदम वाइट वाइट पहाड़ है, वो चल के देखेंगे। तो भाई सबसे पहले बैठते हैं हम बोट सफारी में, वहाँ से देखते हैं पहले चार्ज कितना ले रहा, अगर बजट में होगा तो बैठेंगे ऐसी कश्ती में, देखते हैं। बेटा बेटी यहाँ नहीं है, इंडिया में है। लो भाई साहब, ये डॉग साहब इधर बैठे हैं, देखो बड़े खतरनाक कपड़े पहन के, डर लग रहा है इनको देख के। चलते हैं बोट में बैठने के लिए। तो भाई साहब बोट वाला सिस्टम तो बड़ा तगड़ा है, 710 रुपये से स्टार्ट होता है एक घंटे का, उससे कम कोई है नहीं। तो हम बोट में नहीं जा रहे क्योंकि 10,000 रुपये है, 710 इनको दे दिया तो हमारा तो काम पूरा ही हो जाएगा, फिर कहाँ घूमेंगे। तो अभी पहला दिन है, लेट्स गो। सर नहीं नहीं नहीं, मैं हम तो इधर ही घूमें। तो भाई साहब चलते चलते ये भाई साहब बोले नमस्ते, तो बैठ गया 2 मिनट के लिए इनसे बात करने के लिए। और इधर ये माला बेच रहे हैं कुछ। थैंक यू। आपका आपका नाम? हमारा संतोष भाई, ठीक है। इस लेक के साथ चलते चलते अगला टारगेट उस पहाड़ पे है, 1.5 घंटे की या 2 घंटे की जर्नी हो सकती है। और साथ में ये खूबसूरत नज़ारे हैं ये। और इस लेक का नाम है फेवा लेक, और काफ़ी साफ सुथरी और बहुत ही प्यारी लेक है, बिल्कुल भी अंदर तो कचरा नहीं है। तो भाई काफ़ी देर यानी कि 10 मिनट चलने के बाद मैं वापस इस तरफ रोड पे आ गया हूँ, और यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो हम चढ़ेंगे उस टॉप के ऊपर, कोई 1.5 घंटा समथिंग लग जाएगा मुझे लगता है। अब कितना टाइम लगेगा वो आपको देख के बताते हैं, हम टाइम कंफर्म कर लेंगे कि अभी इतना बजा और मैं ऊपर पहुँचे तब कितना बज गया। जब भी आप आओ तो आपको भी पता चल जाएगा। भाई साहब अभी 10 मिनट और पैदल चलना पड़ेगा, और यहाँ से साधन वादन तो वैसे कोई जाता नहीं है। 10 मिनट चलने के बाद सीढ़ियाँ आ जाएगी, और सीढ़ियों से फिर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से चलते हुए जा रहा हूँ।
एंजॉय यार। पैदल चलेंगे तो रियल चीज़ें दिखाई देती है। इधर से आया था, इस बोट के किनारे किनारे लेक के किनारे किनारे आया था और अभी इस तरफ जा रहा हूँ। तो भाई साहब अगर सीधा जाएंगे तो अभी एक सामने पहाड़ दिखता उधर है, तो हम चलेंगे इस तरफ जहाँ पे पैराग्लाइडिंग लैंडिंग होती है। और वो सामने उस तरफ पहाड़ है, उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं जो पैराग्लाइडर लैंडिंग होते वो जगह पे, फिर जाएंगे उस तरफ। देखो ये पतली सी गली है, गली में से सिर्फ बाइक जा सकती हैं, और इसके बाद सीधा लेक साइड की तरफ जाएंगे। और देखो लेक आ गई, यहाँ पे होती पैराग्लाइडर लैंडिंग, वो सब भाई है उनको देखेंगे हम जाके। देखो भाई उस तरफ एक प्लेन उड़ा है, ये पोखरा का छोटा सा एयरपोर्ट है, और टेक ऑफ होते ही सामने पहाड़ी होती है, तो पहाड़ी से आते आते पहले ही टेक ऑफ हो जाता है। और अब हम खड़े हैं एक लैंडिंग साइड पे पैराग्लाइडर की, लेकिन अब इधर आते नहीं आते, पता नहीं वो उस तरफ लैंड हो रहे। भाई जितनी भी देर मैं घूम घूम के इस लेक के किनारे पे चारों तरफ घूम रहा हूँ, सब जगह पे यहाँ के लोग आके बैठते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को निहारते हैं। इतनी खूबसूरत सिटी है यार, मतलब सब फीके है इसके सामने, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्लीन, और इतना ही शानदार मौसम है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं खच्चर है, और लोग यहाँ पर आराम से बैठे हुए मौज करते हैं, कहीं भी आकर के सो जाते हैं यार धूप सेकने के लिए, देख लीजिए आप। तो अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ना, वहाँ पे ये पैराग्लाइडर लैंडिंग होने वाली जगह, एक ये भी है, एक उस तरफ भी है। तो अब इधर कोई होता है कि नहीं होता है, मैं थोड़ी देर के लिए वेट कर रहा हूँ, नहीं होता तो फिर चलते हैं इधर से उस पहाड़ी के ऊपर। उसके ऊपर से ही सब टेक ऑफ होते हैं, और उसके पीछे की तरफ एक पूरा पहाड़ ऐसा है, वाइट है पूरा एकदम, मतलब जिसको ये इधर हिमाल हिमाल कुछ बोल रहे हैं, और वो एकदम चमकता है चांदी की तरह, वो वाली खास जगह है इधर का। तो इस टॉप के ऊपर जाने के बाद वो सब दिखता है, तो हम वो देखने की कोशिश करेंगे। अब उधर जाने का रास्ता कहाँ है मेरे पता नहीं, पैदल चलते चलते मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अब देखते हैं क्या होता है, प्लान करते हैं कुछ और जाके दिखाते हैं। और मैं जिस तरफ से आया वो आपको मैं एक बार पीछे का कैमरा करके दिखा देता हूँ। देख लीजिए भाई, मेरा हॉस्टल है उस पहाड़ उन पेड़ों के पास में, और वहाँ से चलते 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 मैं इस लेक के किनारे 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 यहाँ तक आया। अब इधर से मुझे उस तरफ जाना है, वहाँ पे इतने सारे पैराग्लाइडर उड़ रहे हैं, हवा उस तरफ गया इसलिए वो बार बार वापस जा रहे हैं शायद। और ये फॉरेन वाले लोग हैं ना, देखो अपना डेरा डोरी उठा के कहीं और जा रहे हैं लगता है, तो उधर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। लो भाई साहब फाइनली थोड़ी देर बैठने के बाद एक पैराग्लाइडर इधर आ गया। लो जी हो गया काम अपना पूरा, और देखने को मिल गया पैराग्लाइडर लैंडिंग, दोनों एक साथ हुए, दोनों कोई लड़कियां थी फॉरेनर, ये देखो इधर है।
बाय बाय। इसको शायद काय किंग बोलते हैं। ओह माय गॉड, देखते हैं भाई इसके मजे ही देखते हैं। एक और फेरा गाइडर अकेला ही है क्या भाई, ये तो सिंगल है। ओ बहुत ही शानदार लैंडिंग थी ये तो, अकेला ही बंदा था। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी देर के लिए लिफ्ट मिल गई है, भाई साहब ने लिफ्ट दिया है। सर आपका नाम? मेरा नाम सुरेश। अच्छा, इन्होंने मुझे रास्ता भी बताया कि वहाँ से आप जा सकते हैं और वहाँ तक लिफ्ट भी दे दिया, तो आपका थैंक यू। वेलकम। हाँ जी हाँ जी, तो ऐसा नहीं है, नेपाल में भी बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे इंडिया में वैसे ही है। यहाँ पे भी आपको हेल्प, हर जगह बंदा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। तो चलते हैं आगे से और फिर मैं नीचे उतर के उस तरफ ऊपर जाऊँगा। तो मैं इस तरफ से आया और अब ये सीधा रास्ता ज़्यादा मेरे को इस तरफ ऊपर जाना होगा। तो मैं इस, देखिए वो सामने मकान के बीच में से जगह जो दिख रही है वहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा। तो घंटा भर का ट्रैकिंग होगा लेकिन मज़ा आएगी। तो चलते हैं इस तरफ धीरे धीरे आगे और इन्जॉय करते हैं नेपाल के पोखरा सिटी को। भाई साहब यहाँ पर ज़रा मैं फेस हटा रहा हूँ, देख लीजिए वो जो दादी जी बैठे हैं वहाँ पर, बड़ी मोटी सिगरेट, इधर घोड़े के फॉर्म हाउस है कुछ, घोड़े पे भी घुड़सवारी कर सकते हैं। अब चलते धीरे धीरे ऊपर, काफ़ी आसान काम कर दिया मेरे को उन्होंने, सुरेश भाई ने, गाड़ी वालों ने। ओहो क्या भाई साहब तबाही मचा रखी। अब ये भाई साहब से बच के ही रहना पड़ेगा क्योंकि बड़े तेज धार घुमा रहे हैं। निकल जाए फिर मैं आगे की तरफ निकलता हूँ। देख लीजिए भाई मेरी स्पीड कितनी स्लो है क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है। और ये है यहाँ पे रोप वे जो भी बन रहा है या पता नहीं तैयार हुआ है। देखिए भाई रोप वे की केबल में यहाँ यार चालू हो गई, इसके अंदर ट्रॉली पड़ी देखिए, तो काफ़ी अच्छी ट्रॉली है। हम चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ, ट्रॉली आएगी तो दिखाएंगे नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस जगह का नाम अब पता चला है, ऊपर जो जगह है उसको बोलते हैं सारंगकोट। ये बड़े वाला नाम नहीं देखिए, छोटे वाला नाम देखिए। तो जब भी इधर जाना हो तब आपको ये देखो अबाउट एक घंटा 30 मिनट अपहिल है, तो एक घंटा 30 मिनट तक इसमें हम टहलना पड़ेगा। चले तो जाएंगे पर उतरेंगे कैसे वो पता नहीं है। रोप वे की ट्रॉली तो आई लेकिन वो दूसरी ट्रॉली है, सर्वे करने वाले लोग हैं, जो कैबिन बना वो वाली नहीं है। वो देखो अभी दिखेगा आपको इस पोल के उस तरफ। अब यहाँ से प्योर व्यू दिखता है रोपवे का, पीछे लेक, ये रोपवे की स्टेशन है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से होते हुए इस तरफ आगे को जाएगी। तो हमें वहाँ चढ़ने में कम 1.5 घंटा लग जाएगा ऐसा लिखा हुआ है। तो चलते हैं ऊपर, वो देखो पैराग्लाइडर। वैसे मेहनत करने वाले वीडियो चलते नहीं हैं, लोगों को पसंद ही नहीं आजकल, लेकिन ठीक है मुझे मेहनत करना पसंद है। मैं उस जगह जो खाली मैदान दिख रहा है आपको पीछे, जो लेक है वहाँ, उस जगह से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी अभी दो दोस्त मिले थे, उनको मैंने पूछा भाई कितना टाइम लगेगा, 2 आवर समथिंग स्कैनिक व्यू। देखो 2 आवर स्कैनिक व्यू,
पर मुझे क्या देखना पता है, आपको क्या दिखाना है, कि जिस हॉस्टल से मैं खड़ा था और उसके पहाड़ के उस तरफ एक चांदी सा चमकता हुआ पहाड़ दिखाई दे रहा था, उसको ये हिमाल बोलते हैं, हिमाल, वो दिखाने के लिए ही मैं जा रहा हूँ। अब ना तो कोई रास्ता बताने वाला है ना कोई बात, और ऊपर आने के बाद तीन रास्ते जा रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये इस जगह पे, और एक सीधा इस तरफ। अब देखो क्या होता है, कौन सा रास्ता सिलेक्ट करूँ, यही परीक्षा की घड़ी है। शायद मुझे लगता है यही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तीर का निशान मार रखा है, तो ये होती है जंगल में चलने की पहचान, है ना। तो शायद मैं आपको दिखाता हूँ कि यही रास्ता होगा। ये देखो इस पेड़ पे तीर के निशान मारे हुए दिख रहा है आपको, ये निशान शायद मुझे ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। लेट्स गो। हाँ इधर से भी इस तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है, अंदर अंदर जाएगा रास्ता। कुछ चिड़ियों की आवाज़ है और कुछ भी नहीं। क्या बात है यार, मैं सक्सेस हो गया यार, मेरा दिमाग सही काम किया। अब मैंने दो जैकेट पहना, अब मेरा जैकेट उतारने की बारी आ रही है। जैसे ही आपका भाई थक गया, जंगल में डेरा डाल दिया, और मैं कुछ एनर्जी के लिए कुछ लेके आया था, तो थोड़े पीस खा के फिर चलते हैं ऊपर। अभी मैं थक गया हूँ पूरी तरह से, जंगल वैसे ठंडा भी है लेकिन जब मैं चल रहा हूँ तो गर्म भी है, लेकिन अच्छा है कि मैंने कुछ चीज़ें लाई है साथ में। मैं वैसे खाना खा के निकला था, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। तो भाई जैकेट ले लिया है ऊपर, और अब चलते हैं सीधा सीधा, और थोड़ा देर यहाँ पे आराम कर लिया था, थोड़ा एनर्जी ड्रिंक या एनर्जी फूड ले लिया। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल रास्ता है, चलते हुए जाते हैं ऊपर। जाकर के जो चीज़ देखने को मिलेगी वो हैरान करने वाली होगी, तो उसी को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ, और कुछ देख ना पाऊँ लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई साहब ये वाली जो जगह दिख रही है, ये वाली बीच में जो अभी कुछ देर पहले मैं वहाँ था, वो पैराग्लाइडर वाले सब वहीं लैंड कर रहे हैं, और उसके बाद मैंने एक लिफ्ट भी लिया और काफ़ी चढ़ाई करते करते मैं इधर आ गया, लेकिन अभी मुझे आया उससे भी कहीं डबल ऊपर जाना है, तो चलते हैं। ये रास्ता है, देख लीजिए। इस घने जंगल में मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ यार, समझो बहुत प्यारे कमेंट आए। आज जो मैंने वीडियो पब्लिक किया था कि जो ट्रक ड्राइवर है मुझे रात को 9 बजे अकेले सुनसान जगह पे उतार के चले गए, मतलब वहाँ स्टेशन आ गया था, तो उसमें बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए, और रहस्य भी बहुत अच्छा है कि हर 10 व्यूअर में से एक बंदा लाइक करके जा रहा है। तो आप चाहे तो उसको और अच्छा कर सकते हैं, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले तो और ज़्यादा मज़ा आएगी। चलते भाई जंगल को और आगे तक पार करना है, बहुत ऊपर तक जाना है अभी तक, तो लेट्स गो एंजॉय। आसपास कुछ ऐसा इलाका है। अभी भी ये लाल निशान हमारे साथ चल रहे हैं, मतलब हम सही जगह पे जा रहे हैं, और उन लोगों को धन्यवाद है जिन्होंने ये पत्थर लाला के इधर रखे हैं, या जो भी जिसने भी रास्ता बनाया। अब हम एक मेन पॉइंट पे आ गए वापस, इधर से अगर ये पेड़ नहीं होते तो आपको पूरा पोखरा सिटी दिख जाता, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रहा। ये देखो ये पेड़ पे भी लाल डॉट का निशान किया गया है। क्या लगता है भाई अब यहाँ से क्या व्यू दिखेगा? देखिए मैं चलते चलते आ गया हूँ रोप वे के एक पिलर के पास, और ये पहला पिलर है मुझे लगता है, और ये है नीचे का व्यू। वो सामने उस पानी के पास में ग्राउंड जहाँ पे लैंडिंग हो रहे थे पैराग्लाइडर, तो मैं यहाँ से चलता 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 इधर तक आया हूँ। कहाँ से आया बताऊँ आपको, ये वाला जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये इधर से होते हुए इस जंगल के उस तरफ से होते हुए फिर वापस उस तरफ गया, ऊपर आया ऐसे। तो अब चलते हैं धीरे धीरे।
दिल कहता है नजारे देखता रहूं। इट्स अमेजिंग। और इस तरफ देखिए ऊपर, ये चीज कहाँ देखने को मिलती है भाई? इट्स अमेजिंग अमेजिंग। गया नहीं तो मैं इधर आने में तो कोई मुश्किल नहीं। उधर बहुत ठंडी है, पानी नहीं मिला उधर, वो ओ लोकल वाटर मिला वही मैं पी लिया, तो हाँ, दिक्कत हो गई। देख लीजिए भाई इस तरफ पीछे, आपको इस ग्रीन पहाड़ के पीछे की तरफ देखिए, पूरा स्नो वाला माउंटेन दिख रहे हैं। और ये है आपका पोखरा सिटी, और ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये एयरपोर्ट है, और ये भी पोखरा सिटी है। यहाँ पे मेरा हॉस्टल है इस जगह के आसपास, और ये फेवा लेक है। ये फेवा लेक है। और यहाँ पे देखिए जो भी प्ले पैराग्लाइडर है वो देखिए यहाँ से वहाँ पे उधर कहीं लैंड होते हैं वो मैदान में उधर। और ये देखो नदी, क्या शानदार व्यू है यार। अभी हम चलेंगे आगे इस तरफ, उस टॉप पे जाएंगे तब आपको वो व्यू दिखेगा मेरे हिसाब से। तो देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं, तब तक आप देखिए ये देखो खूबसूरत नज़ारे। कैसे हैं जी? देखिए भाई साहब हम पहुंच गए हैं इधर चलते चलते, और ये रोपवे का दूसरा पिलर आया, देखिए यहाँ पे आए हैं, ये वाली जो ट्रॉली यहाँ खड़ी काम कर रहे हैं। वही चलते चलते हम पहुँच गए इधर, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ रास्ता आता है, और यहाँ पे घर है, कुछ खेती बाड़ी और मकान है। और इनके मकान कहाँ पे देखिए, इधर मकान है, वो सिटी है नीचे, उससे कोई 1 किलोमीटर पता नहीं कितना ऊपर है। अभी हम चलते हैं ऊपर, हमारे साथ एक सर मिल गए हैं जो इधर के लोकल है, और वो भी मेरे जैसे ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। तो चलते हैं हम भी। लो भाई ये पैराग्लाइडर वाले देखो हमारे साथ साथ उड़ रहे हैं, क्या सीन है भाई देखो। और अभी भी मुझे काफी ऊपर जाना है, इस मकान के उस तरफ जो मकान दिख रहा है वहां पे जाना है, 1 घंटा और वापस कैसे उतरेंगे वो आइडिया नहीं है। अब देखो आज तो हमारे साथ सर है लोकल, तो चलो हमको भी विश्वास है, नहीं तो मैं वापस भाग जाता। लेकिन अभी तक वो चोटी नहीं दिखी मुझे जो देखने आया था। वो ये पक्षी भी कितने बड़े देखो, ईगल लड़की भी बड़ी है देखा भाई साहब। इधर से आने के बाद हम लोग तो फिर से हाईवे पे आ गए यार, यहाँ तो बहुत बढ़िया रोड बनी हुई है। तो अभी हम जाएंगे इस तरफ, और यहाँ पे देखो एक व्यू पॉइंट है, और यहाँ से बैठ के शॉट लेते हैं लोग। देखिए इस तरफ जाना है, अच्छा इस तरफ जाना है। ये भाई साहब हमारे साथ आने लग गया, देखो काफी देर से चल रहा, 15 मिनट से हमारे साथ ही चलने लग गया। सामने जो टॉप दिख रहा है वहाँ तक जाना भाई साहब, नीचे तो 2 घंटा समथिंग हो गया है मेरे को। क्या इसकी बढ़ रहे, देखो भाई मैं लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पे घर बन रहे हैं, तो कितने बड़े बड़े घर हैं, कितने शानदार घर हैं। और वो सिटी आपको नीचे दिख रहा है उधर है, इतने ऊपर भी घर हैं, लोग रहते हैं, और इतना हार्ड वर्क करते हैं, ये सामान वामान इधर से वो देखो बोरी में भर भर के ले जा रहे हैं। तो ये नेपाल की विलेज लाइफ है जो पहाड़ों में होती है वो वाली, कितना शानदार है। और हमें जाना है ऊपर, इस मकान के ऊपर से जो टॉप दिख रहा है उधर जाना है, अभी भी तो काफ़ी दूर है। गाना बजाई बाइक के ऊपर पड़ा देखो स्पीकर। और ये सामने जो दिख रहा है आपको वो है माउंटेन, स्क्रीन वाले के पीछे पूरा स्नो वाला है वो देखो, उस तरफ भी ये वाला, इसके पीछे वाला पूरा। स्कूल चले हम, देखो भाई साहब ये
स्कूल से घर जा रहे हैं, ऊपर भी शायद कोई स्कूल होगी, और ये यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है। देखो पैराग्लाइडर पूरे आसपास सब जगह घूमते हैं, और ऊपर जाएंगे और पुराने घर दिखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ जो डॉग आया वो शायद इस तरफ आगे चला गया, इधर एक और दूसरे डॉग से फाइट हो गई। और यहाँ देखिए बाइक कैसी बड़ी बड़ी महंगी महंगी है, पल्सर 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 है सर। तो भाई साहब जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ आपको लगता होगा कि नए नए लोग कैसे मिल जाते हैं। अभी मैं ट्रैकिंग करते हुए आ रहा था, सर मेरे पीछे से आए और हम दोनों साथ चलने लगे, बहुत सारी बातें हुई, और ये इधर से ही है लोकल तो हम दोनों साथ चलने लग गए। और ऐसे ही होता है, बस ये गांव में आ गए, नहीं तो मैं तो शायद वापस भी चला जाता। लेकिन अब ठीक है, मेरे लिए आसानी होगी, भले शाम हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, हम उस चोटी को फतेह करके ही रहेंगे, टारगेट पूरा करेंगे। और हम इधर ड्रोन उड़ा रहे हैं, शायद आपको दिख रहा होगा बहुत ऊपर है, तो कुछ शॉट ले रहे हैं सर। और ये पीछे उस तरफ सिटी है, वहाँ पे काफ़ी दूर हो गया, हम लोग काफ़ी दूर आ गए। बच्चों इधर आओ, बता दे तुमको, ये असीम, ये छोटा बच्चा है, कुछ खा रहा है। इस चॉकलेट से मैं दुकान से कुछ चॉकलेट ले लिया, बच्चों को देंगे यार, छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत प्यारे प्यारे, तो खाएंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। चलते हुए और भी बच्चों को देंगे। बहन जी लीजिए, इसको दे दीजिए। थैंक यू। ये भी बच्चा लीजिए। एक बेटा, एक और किसी को देंगे। चलते हैं ऊपर। गांव में बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और अच्छा लगता है बच्चों से मिलकर। लो सर एक आप खाइए। अरे ठंडी लगा रहा है, ये सूखी है, वो गीली वाली नहीं है, थोड़ा एनर्जी लगेगा। भाई देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सूरज नज़र आता है, और वहाँ से अभी प्लेन ने टेक ऑफ किया है, लेकिन दिख नहीं रहा। दो रनवे बने हुए हैं, एक इधर है एक इधर भी है। ये सिटी है, वे टू शारंग कोट व्यू पॉइंट। तो अभी भी काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे लगता है। ये छोटे छोटे खेत हैं, यह है नेपाल की विलेज लाइफ। और ये पुराना घर है, देखिए ये भी पुराना घर है, ये भी पुराना घर है। ओल्ड इज ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। ये इधर की भैंस है, ये बकरी, ये ऐसी भैंस है अलग किस्म की है। छोटी छोटी बकरी कितनी प्यारी है। ये कुत्ता जी बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से मत जाओ, लेकिन हम जाएंगे। चॉकलेट छोटों को दे दीजिएगा, लो। रुको रुको रुको, बस 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 बस, मान ही नहीं रहा भाई, गांव में आ गया तो पीछे ही पड़ गया। ऐसे होते हैं गांव भाई। ये देखो छोटे छोटे सब खेत हैं, और ये तो जबरदस्त एडवेंचर हो गया यार, ऐसा तो मौका ही नहीं मिलता शायद। चाचा जी नमस्ते। हाँ जी हाँ जी, चाचा जी सर्दी में तपने के लिए लकड़ियाँ ले जा रहे। ये है घास दोस्तों, जमा करके रखी हुई है, और इस टीन के शेड में शायद गाय भैंस है कुछ,
किसी किसी घर में आके गांव के। अभी भाई थोड़ा ही ऊपर है और हमारी मेहनत रंग ला रही। सुबह निकले थे, अब दोपहर हो गई है, मतलब शाम होने आई, 4 बज के ऊपर हो गया है। बीच में थोड़ा हमने हल्का सा स्नैक्स वगैरह ले लिए, पानी भी पिया और गांव में होते हुए हाईवे बनी है लेकिन हम लोग सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जा रहा है। अब देख के भाई हम कहाँ पहुँच गए, ये देख लीजिए। पोखरा सिटी है, ये लेक है और ये लेक का ये वाला भाग जो दिख रहा है, यहाँ पे मेरा वो है हॉस्टल, यहाँ से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है भाई, और अभी भी ऊपर जाना है यार। और इस तरफ आप देखोगे हिमालयन माउंटेन दिख रहे हैं स्नो वाले, इस ग्रीन वाली पहाड़ी के पीछे। आज क्लाउडी मौसम है भाई साहब, ये देखो पूरा ढका हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और सर फिर से ड्रोन उड़ा रहे हैं तीसरी बार। इधर का घर देखिए भाई, बहुत प्यारा घर बना है, बच्चा सो रहा है उधर झूले में और घर के दरवाजे से भी बंद है, शायद कहीं काम से गए होंगे। ये खेती है मूली की, ओ छोटा सा खेत है ये तो भाई, ये प्याज है और ये मूली है, नीचे कुछ और भी है। ये भाई साहब पीछे सिटी हैं, इधर से हम आए, ये रोड आती हैं इस तरफ जाती हैं, पर लेकिन हम लोग जाएंगे इस तरफ। और यहाँ पे लिखा है सराड कोट व्यू पॉइंट तपाईरो, हार्दिक स्वागत करे छे। तो चलते हैं, स्वागत कैसे होते देखते हैं। ये है गांव के नज़ारे, बकरी दिखा रहे हैं। है बहुत प्यारा है, बहुत छोटा है, बहुत खूबसूरत है, ऐसा है मगर खूबसूरत है, खूबसूरत है, मैं वही बोला है। कती टाइम रुकना है नेपाल भाई? हम मेरे से 30 रुपया टिकट लिया गया है और सबका लिया, आपका भी। तो ये मैडम हैं जो आए हैं बच्चों को स्कूल से घुमाने के लिए, पता नहीं कितने दूर से आए हैं, काठमांडू से आ गए, और 29 बच्चे हैं, तो अच्छा लग रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका नाम मैडम? भगवती जी, ठीक है जी, चलो हम चलते हैं आगे। अभी देखिए भाई साहब इतना खूबसूरत है, अभी क्लाउडी मौसम हो गया है लेकिन फिर भी ऊपर से दिख रहा है हिमाल बोलते इधर। ये आपका? हाँ ये भी बैठ गई। इसको बोलते हिमाल, बहुत ऊंचा है भाई, बहुत ऊंचा है। ये देखिए पूरा। तो भाई साहब 4 घंटे की मेहनत के बाद हम पहुंच गए हैं फाइनली टॉप पे, बहुत ज़्यादा ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर। ये पूरा देखिए पीछे सिटी यार, और बहुत सारे बच्चे और लड़के गांव इधर के सब लोग आए हुए हैं। और ये दूरबीन है पीछे, इस तरफ पूरा वो माउंटेन है जो बर्फ़ का बना हुआ है, पूरा हिमाल बोलते हैं इसको, इसमें अलग अलग प्रकार की चोटियाँ हैं। और ये सब इधर का नज़ारा है, देखिए शाम हो रही इस तरफ। तो मैं आपको थोड़ा इस तरफ जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई कितना खूबसूरत जगह है। और पूरा नीचे सिटी है, इस तरह का व्यू मैंने कभी नहीं देखा। चलिए भाई साहब, अब ये जो दूरबीन है इसमें से देखेंगे, और नेपाली 20 रुपया मुझे देना पड़ेगा, तो चाचा जी मुझे दिखाएंगे। दिखा दीजिए चाचा जी,
पहाड़ बिल्कुल पास है ये बर्फ वाला। ये देखा पूरा बर्फ ही बर्फ है वहाँ पर। That's great. एक मिनट लाइए सर, इसमें दिखाते हैं फोन को। ये देखो हिल गया। दादा आप पकड़िए टेलीस्कोप को। वाह देखो भाई कितना खूबसूरत है। 20 रुपये में और वो बड़ी वाली चोटी, वो वाली चोटी देखने तब मुश्किल होता है। तो ऐसा ऐसा वाओ बहुत खूबसूरत है भाई साहब। आपने वो दूरबीन से क्या देखा? अरे जो जिंदगी में कभी देख नहीं सकता, जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, उस चीज को अनुभव किया। और मैंने कोशिश किया कि आपको कैमरे में दिखा सकूँ, तो थोड़ा रिकॉर्ड करने का भी कोशिश किया। बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे, शायद ही कोई जाता होगा, कोई इंसान गया नहीं होगा उस तरफ। वो है वो दुनिया, यहाँ पे हो तो इससे ये ज़रूर देखना चाहिए। तो भाई फाइनली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। 4 घंटे से जिस रास्ते से हम आए थे, उसी रास्ते से वापस नीचे जाना, और हमारे साथ में भाई थे वो भी चले गए। और बस वालों ने पहले बोला कि हम ले जाएंगे, और बाद में बोला नहीं ले जाएंगे, तो बड़ी दिक्कत वाला काम हो गया। यही है, अंधेरे में चलते चलते जाएंगे। हाँ जी भाई साहब, नीचे फेवा लेक, फेवा ऊपर। हाँ जी जी, किसके साथ वीडियो चैट में हो आप? वीडियो में बना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। पैराग्लाइडिंग करेंगे क्या? नहीं सर नहीं, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी जरूर। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, लेकिन वो भाई साहब चले गए तो बड़ी मुसीबत में है। और सिटी काफ़ी नीचे है, पहाड़ जंगल में से होते हुए मैं आया था। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, देखते हैं। ये वाला पूरा घना जंगल पार करके नीचे जाना और फिर वहाँ पे जाना है। तो भाई फाइनली आपका भाई वापस तो आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था आते आते। एक्चुअली रात होने का डर लगने लग गया था, और जंगल भी काफ़ी लंबा चौड़ा था। और वो जो भाई साहब थे वो फिर पता नहीं उनका क्या मूड हो गया। उन्होंने जो आपने सुना होगा, वो एक मैडम थी जो मुझसे बात कर रही थी, वो बच्चे सब आए थे स्कूल वाले। उन्होंने पहले बोला कि मैं आपको नीचे तक ले जाएंगे, क्योंकि हाईवे पे घूम के आते हैं ना, 15 किलोमीटर होता है, और वैसे 2-3 घंटे में नीचे उतर जाते हैं, 2 घंटे में। तो फिर उनके जो मेन बॉस थे उन्होंने नाम बोले नहीं ले जा सकते हैं। फिर थोड़ा नीचे आए तो वो सर वापस मिल गए जो मेरे साथ चल रहे थे। तो उन्होंने एक बंदा वहाँ पे बैठा था, उसको बात किया, बोले कोई भी टैक्सी में बिठा देना। तो बोले ठीक है। तो एक भाई से बात किया, बोले 400 रुपये लेंगे कम से कम। मैंने बोला नहीं जाना, मैं वापस निकल गया। तब तक वो सर तो नीचे चले गए, अब मैं अकेला था, अंधेरा होने लग गया था। फिर मैं बस ऐसे ही चलता गया
काम करने बंद कर दिए। फिर मैं कैसे भी करते हुए, दौड़ते हुए, चलते हुए आया, लेकिन वो बन भाई साहब मिले ही नहीं मुझे जंगल में भी। जब मैं जंगल पूरा पार करके रहा और रात हो गई, फिर तो कोई बात नहीं, फिर मैं आराम से धीरे 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 नीचे आया, चल भी नहीं पा रहा था, कैसे भी करके खड़ा रहा थोड़ी देर, पाँव कंट्रोल भी नहीं हो रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और जो कंट्रोल होता ना वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर आराम से फिर मैं दौड़ते हुए नीचे उतरा, रोड थी ना ढलान वाली, तो दौड़ते हुए उतर पा रहा था, चल नहीं सकता था। नीचे आया, एक बस लिया, 20 रुपये लिए और हॉस्टल के बाहर उतार दिया। और आज का 12 बजे से लेकर शाम तक का सफ़र बहुत ही रोमांचक, उतार चढ़ाव वाला और अद्भुत दृश्य देखने को मिले, तो इट्स अमेजिंग। बहुत लंबा चौड़ा व्लॉग हो गया, कुछ लोग काफ़ी मैसेज आ रहे थे बोले लंबा व्लॉग बनाए, तो आज फाइनली लंबा व्लॉग हो गया। और ये पूरा व्लॉग देख करके तो शायद आप भी मेरे साथ घूमे होंगे, ऐसा ही लग रहा होगा जैसे आप खुद घूम रहे। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगी भाई ये इस वीडियो को बनाने में, मेरे पाँव ने 3 दिन तक दर्द कर रहे हैं, जब मैं ये बोल रहा हूँ ना ये 3 दिन बाद है। अभी भी मैं एक दिन के रेस्ट किया फिर भी दर्द हो रहा है, चला रहा हूँ यार, जो भी है ठीक है, हार्डवर्क ज़रूरी है, आपको मज़ा आना चाहिए, बस मेरे को भी मज़ा आती है और प्रकृति से मुझे बहुत प्रेम है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ भी जाओ कचरा ना करो, प्लास्टिक ना फेंके, प्रकृति का खास ध्यान रखिए, वही हमारी जीवन डोरी है। बाय, गुड नाइट, सी यू, थैंक यू वेरी मच।